प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्सर समाज में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी को लेकर अपनी सरकार की पीठ थपथपाते हैं। संसद में महिला सांसदों की बढ़ी संख्या को लेकर सरकार की वाहवाही करते हैं, लेकिन आज भी देश की महिलाएं असमानता की शिकार है। और ये खुलासा किया है विश्व आर्थिक फोरम रिपोर्ट ने, जो बताती है कि आज में महिला सशक्तिकरण के मामले में हम अपने पड़ोसी देशों से काफी पीछे हैं। भारत में महिलाओं की स्थिति, आर्थिक भागीदारी, स्वास्थ्य और उत्तरजीविता के क्षेत्र में बेहद खराब हो गई है। विश्व आर्थिक फोरम रिपोर्ट बताती है कि स्त्री पुरुष असमानता के मामले में हम एक साल पहले के मुकाबले 4 पायदान फिसलकर 112वें स्थान पर पहुंच गए हैं। पिछले साल हम इस सूची में 108वें पायदान पर थे, लेकिन अब स्थिति खराब हो रही है, जबकि अपने पड़ोसी देशों में महिलाओं की स्थिति मजबूत है। विश्व आर्थिक फोरम की रिपोर्ट में स्त्री पुरुष असमानता को 4 मुख्य कारकों के आधार पर तय किया गया है। इसमें आर्थिक अवसर, राजनीतिक सशक्तिकरण, शैक्षणिक उपलब्धियां और स्वास्थ्य जीवन प्रत्याशा शामिल है। रिपोर्ट के मुताबिक आर्थिक अवसर के मामले में भारत की स्थिति सबसे खराब है। 153 देशों में भारत एक लौता देश है जहां आर्थिक विभेद बढ़ता गया। 35.4% महिलाओं को आर्थिक गतिविधियों से जुड़ने के अवसर भारत में मिल रहे हैं। देश के 13.8% कंपनी बोर्ड में महिला प्रतिनिधित्व है। 14% महिलाएं नेतृत्वकर्ता की भूमिका में हैं। पुरुषों का मानव श्रम में जहां 82% उपयोग हो रहा है, महिलाओं में ये एक तिहाई है। वहीं स्वास्थ्य के क्षेत्र में महिलाओं की स्थिति कुछ खास नहीं है। भारत में करोड़ों महिलाओं को पुरुषों के समान स्वास्थ्य सेवाएं नहीं मिल रही हैं। यहां हर 100 पर 91 ही लड़कियां हैं। ये लैंगिक अनुपात भी खराब रैंक की वजह बना। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में आज जहां भी 82% पुरुष शिक्षित हैं, वहीं 2/3 महिला ही शिक्षा पाती हैं। रैंकिंग के 4th मानक राजनीतिक भागीदारी में भारत में कहा गया है कि यहां बीते 50 में से 20 वर्ष महिला नेतृत्व रहा, लेकिन आज इसे इस मानक पर 122वां स्थान मिला है, क्योंकि संसद में 14.4% ही महिलाएं हैं। ये 25.2% के अंतर्राष्ट्रीय औसत के बहुत कम है। कैबिनेट में 23% महिलाओं का होना सकारात्मक माना गया। अब भले ही राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी हो, लेकिन अन्य जरूरी मामलों में महिलाएं काफी पीछे हैं, जो कि देश के लिए सही नहीं है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।